क्या आप तुरंत और नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं? एक अच्छी प्रेगनेंसी रहने के लिए अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि सेक्सुअल पोजीशंस। इंटरकॉर्स करते समय पोजीशन सही होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दरअसल अगर लड़का और लड़की दोनों हेल्दी हों तो कंसेप्शन वैसे भी नॉर्मली हो सकता है, लेकिन अगर आपको खास ध्यान पर रखना हो तो कुछ सेक्सुअल पोजीशंस होती हैं जिन्हें प्रैक्टिस करके आप कंसीव होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर मिशनरी पोजीशन और मैन ऑन टॉप पोजीशंस कंसेप्शन के लिए फेवरेबल माने जाते हैं। इसका कारण ऐसा होता है कि औरतों का यूट्रस जो होता है, इसका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, एक स्पेसिफिक शेप होता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। इस पोजीशन की वजह से जब मिशनरी पोजीशन में या मैन ऑन टॉप पोजीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तब ग्रेविटी की मदद से स्पर्म्स आसानी से यूट्रस की तरफ पहुंच सकते हैं। मिशनरी पोजीशन के जितना ही और एक पोजीशन इफेक्टिव होता है, जिसे कहा जाता है मैन बिहाइंड वुमन। इस पोजीशन में भी कंसेप्शन के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका भी लॉजिक मिशनरी की तरह ही होता है, जिसमें ग्रेविटी की वजह से स्पर्म्स काफी आसानी से यूट्रस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी कि ये पोजीशंस फेवरेबल जरूर होते हैं, लेकिन फुल प्रूफ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इन्हीं पोजीशंस की मदद से आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय वॉशिंग के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन करने से आप इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पर्म्स की मोबिलिटी भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अगर मेल या फीमेल ऑर्गन्स पे कुछ इन्फेक्शंस हो तो इन इन्फेक्शंस की वजह से हेल्दी स्पर्म्स एग तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि मेल और फीमेल्स अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले अच्छी तरह से क्लीन करें। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद फीमेल्स को स्पेसिफिकली अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने से अवॉइड करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। अगर औरतें अपने प्राइवेट पार्ट्स तुरंत क्लीन कर दे तो ये स्पर्म्स बाहर निकलने की और वॉश आउट होने की संभावना बढ़ सकती है, और इसी कारण की वजह से इंटरकॉर्स के बाद तुरंत पेशाब करना और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन करना खास तौर पे औरतों को अवॉइड करना चाहिए। हमें कमेंट्स में कई बार कई लोगों ने पूछा है कि इंटरकॉर्स के बाद बहुत सारा सीमेन बाहर निकल आता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रही है। दरअसल इंटरकोर्स के बाद कुछ हद तक सीमेन बाहर निकल आना कॉमन माना जाता है, लेकिन कुछ पोजीशंस होती हैं जिनकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा सीमेन वजाइनल ट्रैक्ट में रहे, इसका ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि औरतों की सीट के नीचे अगर पिलो रखा जाए तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा सीमेन वजाइनल ट्रैक्ट में रहे, इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। वैसे ही अगर इंटरकोर्स के बाद औरतें अपने लेग्स को थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन में रखती हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट तक एलिवेटेड पोजीशन में रखती हैं, तो उससे भी कम से कम सीमेन बाहर आने के चांसेस होते हैं। अब कई बार कई औरतों को ड्राइनेस महसूस होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होने की वजह से इंटरकोर्स ही बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस होता है। ये अवॉइड करने के लिए औरतों को अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब औरतें वेल हाइड्रेटेड हो, पानी का सेवन अच्छी मात्रा में कर रही हो, तब उनके वजाइनल सीक्रीशंस भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वजाइना में ल्यूब्रिकेशन अच्छी तरह से होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल नहीं होता। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल ना हो तो पेनिट्रेशन काफ़ी आसानी से हो सकता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स एक प्लेजरेबल मोमेंट माना जा सकता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन में भी आसानी हो सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले लड़का और लड़की यूरिनेट अच्छी तरह से कर लें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनलेस हो सकता है और कंफर्टेबल महसूस हो सकता है। अगर यूरिन ब्लैडर में जमा हो गई हो तो खास तौर पे औरतों को इंटरकोर्स करते समय दिक्कत महसूस हो सकती है। इसीलिए इंटरकोर्स करने से पहले लड़का और लड़की अच्छी मात्रा में यूरिनेट करे, पेशाब करे,
तो ब्लैडर खाली हो जाता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स और भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो सकता है। कई बार कई लोगों ने हमें ये भी पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जैक्टली किस दिन पे इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये अगर अच्छी तरह से आपको समझना हो तो हमारा रिलेटेड वीडियो जरूर देखें। फर्टाइल पीरियड, सेफ पीरियड के बारे में जरूर जानें। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, रेगुलर है, तो आप आसानी से आपकी फर्टाइल विंडो को डिफाइन कर सकते हैं। फर्टिलिटी विंडो डिफाइन करके उन दिनों में अगर आप रेगुलरली डेली इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इररेगुलर है, आपकी साइकिल हर महीने टू महीने नहीं आ रही है, तो इस केसेस में आपकी फर्टिलिटी विंडो को डिफाइन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऐसे केसेस में पूरे महीने में हर 3 दिन एट द मिनिमम आपको इंटरकोर्स करना प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान दोनों पार्टनर्स अच्छी तरह से रिलैक्स्ड हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों पार्टनर्स पूरी तरह से एंजॉय करें, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर स्ट्रेस्ड है, कोई भी पार्टनर टेंशन में है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लेजरेबल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कंसेप्शन में दिक्कत ज़रूर आ सकती है। इसीलिए दोनों पार्टनर्स को अच्छी तरह से अपने माइंड को रिलैक्स करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरकोर्स को एंजॉय करना चाहिए। अगर किसी भी पार्टनर में स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हॉर्मोन्स शरीर में रिलीज होते हैं और ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स कंसेप्शन में इंटरफियर कर सकते हैं। इसीलिए अपने माइंड को अच्छी तरह से रिलैक्स करें। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स औरतें अच्छी तरह से एंजॉय कर रही हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसीलिए औरतों को से पूरे सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्लेजरेबल रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पूरे चक्कर में एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, प्रेगनेंसी रहने की एंग्जाइटी ना रखें। बार बार अपने आप को प्रेशर में ना डालें कि इस साइकिल में तो प्रेग्नेंट होना ही है, उस साइकिल में तो प्रेग्नेंट होना ही है। अपने आप को रिलैक्स्ड रखें। प्रेगनेंसी नेचुरली रहने के लिए जस्ट सेट योर माइंड फ्री। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। थैंक यू।